इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो व्हाट इज अ क्वार्टाइल? मीडियन में क्या हुआ था कि हम लोग जो वैल्यू सिलेक्ट किए थे या जो आंसर निकाले थे, 50% वैल्यूज वर ऑन द लेफ्ट या उससे बड़ा था एंड 50% उससे छोटा था। इसीलिए वो पोजिशनल था एंड हम लोग इंश्योर किए थे कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग का डेटा अरेंज्ड है। क्वार्टाइल इज द सेम थिंग। क्वार्टर वर्ड से क्या समझ में आता है? क्वार्टर मीन्स 1/4, 3/4, राइट? इस डिविजन को ही हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टाइल में भी यही होता है कि जब हम लोग एक ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसके वन साइड में 25% वैल्यूज़ है या 1/4 वैल्यूज़ है एंड अदर साइड में 75% वैल्यूज़ है या 3/4 वैल्यू है, एंड दिस कैन बी बोथ सिनेरियोस। ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन 25% वैल्यूज़ हो और ग्रेटर देन 75 हो, या फिर लेस देन 75% वैल्यूज़ हो एंड ग्रेटर देन 25% वैल्यूज़ हो। तो ऐसे वैल्यू को, जो डेटा पॉइंट इस वैल्यू पे या इस पोजीशन पे रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल। दिस वन इज द फर्स्ट क्वार्टाइल और वी डिनोट इट एज Q1, एंड ऐसा वाला को बोलते हैं सेकेंड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है, कोई बोल सकते हैं? सॉरी, ये थर्ड क्वार्टाइल है। सेकेंड क्वार्टाइल क्या हो सकता है, कोई बोल सकते हैं? मीडियम। वेरी गुड। मीडियन इज द सेकेंड क्वार्टाइल, बिकॉज सेकेंड क्वार्टाइल क्या होएगा? क्वार्टाइल मतलब हम लोग फोर में डिवाइड करें डेटा को। ये हुआ फर्स्ट, सेकेंड होगा मीडियन, थर्ड होगा तुम्हारा 75-25 एंड जो फोर्थ क्वार्टाइल होगा दैट विल बी द लास्ट वैल्यू बेसिकली, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर हम लोग का फोर्थ डिविजन विल एंड, तो वो फोर्थ क्वार्टाइल इज नॉट ऑफ एनी रेलिवेंस टू अस। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टाइल हम लोग को चाहिए रहता है। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग मीडियन का पोजिशन कैसे निकालते थे? N+1/2 करके। बेसिकली हम लोग पूरे डेटा को 2 में डिवाइड करते थे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बोलो? सॉरी, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? Q3 और Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? N+1/4। अच्छा, और बोलो किसी को और क्या लगता है? अगर +1/4 के, वो तो एक के लिए होगा ना, या तो Q1 के लिए होगा या Q3 के लिए होगा, तो किसके लिए होगा? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला को स्टार्टिंग से बनाते हैं वापस से। हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टाइल्स के लिए वी नीड टू डिवाइड आर इंटायर डेटा इनटू 4, इसीलिए N+1/4 कर दिया। +1/4 क्यों करते हैं? ये मैंने कल सिखाया था कि इस फॉर्मूला से हम लोग का ऑड एंड इवन दोनों केसेस कवर हो जाते हैं, इसीलिए N+1/4। तो 4 पार्ट्स बन गया। अब फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा? इन 4 पार्ट्स का जो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर का एंड है, वो होएगा। तो इसीलिए N+1/4th वैल्यू विल बी आर क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 2 क्या होगा? जब हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए तो उसका जो सेकेंड वाला है, उसका जो सेकेंड वाला होएगा दैट विल बी आर सेकेंड क्वार्टाइल। एंड थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा? जो थर्ड क्वार्टाइल है उसका एंड, या थर्ड डिविजन है उसका एंड, राइट? ऐसे ही होगा। देखो, चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 and 2 कट जाएगा, वी विल गेट N+1/2, जो हम लोग का मीडियन का फॉर्मूला हम लोग कल किए थे। तो इसीलिए क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो। सबसे पहले हम लोग फुल डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन फॉर द फर्स्ट क्वार्टाइल, वी 4 पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो क्या आएगा? यू विल गेट कि हर एक डिविजन में कितना नंबर्स होगा,
अगर 10 नंबर्स है, लेट्स से 11 नंबर्स लेते हैं, कैलकुलेशन सिंपल होगा। अगर 11 नंबर्स है लेट्स से, तो क्या होएगा 11 प्लस 1 बाय 4 विच इज 3। तो 3 क्या सिग्निफाई करते हैं? 3 शोज कि व्हेन यू डिवाइड द एंटायर डेटा इनटू 4 पोर्शंस देन यू विल हैव 3 डेटा पॉइंट्स इन ईच पोर्शन, मतलब एवरी थर्ड डेटा पॉइंट विल बी अ क्वार्टाइल, राइट। तो इसीलिए फर्स्ट होगा थर्ड वाला, सेकंड क्वार्टाइल कहाँ होगा मतलब मीडियन कहाँ होगा, सिक्स्थ वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल कहाँ होगा, नाइन्थ वैल्यू, एंड लास्ट क्वार्टाइल जो कि डेटा का लास्ट पॉइंट है वो इस केस में नहीं होगा क्योंकि हम लोग 12 नहीं कर सकते क्योंकि 11 ही डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, लॉजिक समझ में आया सबको तीनों का? तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला लिखो। यस। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? द नेम इटसेल्फ सेज कि दोनों क्वार्टाइल के बीच का जो रेंज है, तो इट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज इज Q3 माइनस Q1। दोनों क्वार्टाइल के बीच में क्या रेंज है? रेंज में हम लोग क्या ले रहे थे? जस्ट रेंज में मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्वार्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, वाई डू वी गो फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज समटाइम्स? बिकॉज उसमें एकदम जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो उसका इफेक्ट कम हो जाते हैं। लेट्स से अगर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर ऐसा कुछ है तो इसका रेंज क्या होगा? 10। लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और ले लेते हैं, अगर एक और ले लें तो इसका इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा? इट विल कम समवेयर इन दोनों का डिफरेंस विच इज 4। तो इससे क्या होता है, हम लोग का रेंज छोटा हो जाता है, तो वी आर एबल टू डिपिक्ट आर एंटायर सेट मोर क्लियरली। यहाँ पे 0 से लेके 10 तक बहुत वाइड एक रेंज कवर हो रहा था, जबकि 10 वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इन आर डेटा। उसका इफेक्ट हटते ही हम लोग का जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो कम इफेक्ट दिखाएगा। तो इसलिए देर कैन बी टू केसेज, वन इज वेन योर डेटा डज नॉट हैव एनी एक्सट्रीम वैल्यूज, इवनली स्प्रेड आउट डेटा अगर है, देन योर रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज विल शो सिमिलर रिजल्ट, दे विल बोथ शो कि रेंज जो है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एक्सट्रीम वैल्यूज है देन द रेंज विल ऑलवेज शो अ वेरी हाई वैल्यू, बट द इंटर क्वार्टाइल रेंज विल टेल यू कि ये जो हाई वैल्यू था रेंज का, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द टू एक्सट्रीम्स, जो मिडिल पोर्शन है। आप देखो, अगर हम लोग एक लाइन बनाए, एक लाइन प्लॉट टाइप का बनाए, तो यहाँ पे हम लोग का मीडियन होगा एकदम मिडिल पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, यहाँ हम लोग का सेकेंड थर्ड क्वार्टाइल होगा। तो इस तरफ कितना वैल्यूज़ है डेटा का? सिर्फ 25% वैल्यूज़ है, सेम फॉर दिस साइड। मेजर 50% वैल्यूज लाई इन दिस रेंज, मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज लाई इन दिस रेंज। इसीलिए इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर फॉर डिस्पर्शन। एंड इसी कॉन्सेप्ट से एक और डायग्राम आता है, स्टेटिस्टिकल डायग्राम जो हम लोग किए थे, द ओनली वन विच वॉज लेफ्ट इज द बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या करते हैं? बॉक्स प्लॉट ड्रॉज 3 लाइन्स, वन एट द मीडियन, वन एट द क्वार्टाइल वन एंड वन एट द थर्ड क्वार्टाइल, एंड फिर इनको बॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि डेटा का जो स्प्रेड है एवरी 25% वैल्यूज में डेटा का स्प्रेड कितना है। एग्जाम्पल देखते हैं एक ठो बॉक्स प्लॉट का। ज़रूरी तो है नहीं कि मीडियन हमेशा एकदम सेंट्रल पॉइंट हो, क्योंकि हम लोग लाइन पे क्या दिखाते हैं, लाइन पे हम लोग एक्स वैल्यूज़ दिखाते हैं, वी डोंट शो पोजिशंस, वी शो दी एक्स वैल्यूज़। तो अगर यहाँ पे लेट्स से 5 है, यहाँ 0 है और यहाँ 10 है,
अगर हम लोग के डेटा में बहुत सारा फोर्स एंड फाइव्स है तो क्या होएगा, हम लोग का जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे इन एन असेंडिंग ऑर्डर तो हम लोग का मीडियन विल कम समवेयर अराउंड फाइव, बिकॉज नीचे भी ज़्यादा नहीं है एंड ऊपर भी ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑन द फोर एंड फाइव एरिया. तो 50% ऑफ आर वैल्यूज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस एरिया, फोर से लेके सेवन तक 50% वैल्यूज कॉन्सेंट्रेटेड है. अब 50% में से भी मतलब यहाँ 25% है एंड यहाँ 25% है, तो इससे क्या पता चलता है कि आपका डेटा को अगर हम लोग डिवाइड करें, हम लोग इतना देर से जो फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज बॉक्स प्लॉट्स. थ्री बॉक्सेस बनेंगे, एक बनेगा क्वार्टाइल टू बॉक्सेस बनेंगे सॉरी, एक बनेगा क्वार्टाइल वन से लेके मीडियन तक एंड दूसरा बनेगा मीडियन से लेके क्वार्टाइल थ्री तक, एंड देन उससे वी विल नो, हो सकता है कि दोनों बॉक्सेस का साइजेस डिफर करें अगर कुछ ऐसा है. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन होगा कि जो मीडियन है मीडियन से कम ज़्यादा वैल्यूज़ है हम लोग के पास, इसीलिए क्वार्टाइल वन एंड मीडियन के बीच में इतना डिस्टेंस है एंड मीडियन के ऊपर हम लोग के पास कम वैल्यूज़ होने का चांसेस है, विच इज़ वाई मीडियन एंड क्वार्टाइल थ्री के बीच में डिस्टेंस कम है. हो सकता है दिस इज़ फाइव, अ क्वार्टाइल थ्री इज़ सेवन एंड क्वार्टाइल वन इज़ टू, तो क्या हो रहा है यहाँ पे थ्री का टू का डिफरेंस है, यहाँ पे थ्री वैल्यूज़ का डिफरेंस है, तो स्प्रेड जो है वो चेंज हो रहा है मीडियन के नीचे एंड मीडियन के ऊपर, इसीलिए वी यूज बॉक्स प्लॉट्स. क्लियर है यहाँ तक सबको? एनीथिंग यू ऑल वॉन्ट मी टू रिपीट? मैम बॉक्स प्लॉट एक बार फिर से समझाओगे? ठीक है, इसको हम लोग एक बार क्लास के एंड में वापस से रिवाइज करेंगे एज अ सेपरेट टॉपिक, बॉक्स प्लॉट को एक बार हम लोग डिस्पर्शन पूरा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज बॉक्स प्लॉट्स पे आई विल मेक यू ऑल डू सम सेपरेटली एज वेल, सो दैट्स वाई वी विल डिस्कस इट अगेन एट द एंड. अब अगर हम लोग इंटर क्वार्टाइल्स को ट्राई करें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करने का, तो कैसे करेंगे? मीडियन कैसे करते थे ग्रुप फ्रीक्वेंसी में? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे एंड देन फिर हम लोग देखते थे कि एन प्लस वन बाय टू कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पे क्या होएगा एन प्लस वन बाय टू, एन इज टेन, तो इलेवन बाय टू विच इज बोलो 5.5th वैल्यू. 5.5th वैल्यू कहाँ लाइक करेगा? बिटवीन 4 एंड 7. तो मीडियन क्लास कौन सा होता था? 500 टू 1000 वुड बी आ मीडियन क्लास. सिमिलरली एकदम सेम फॉर्मेट में वी ऑल्सो वर्क फॉर क्वार्टाइल्स. क्या डिफरेंस होगा? बस पोजिशन का डिफरेंस होगा. द फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर डिटरमाइनिंग द पोजिशन, एन प्लस वन बाय फोर होगा आपका 10 प्लस वन 11 बाय फोर, कितना होएगा 11 बाय फोर, टू पॉइंट सेवन फाइव कौन से क्लास में लाइक करेगा? फर्स्ट क्लास. तो ये होगा हम लोग का फर्स्ट क्वार्टाइल का क्लास. सिमिलरली थर्ड क्वार्टाइल किस में लाइक करेगा? थर्ड क्वार्टाइल किस में लाइक करेगा? लास्ट लास्ट क्लास में 1500 टू 2000 में, बिकॉज 8 यहाँ तक ही हुआ था, हम लोग को लास्ट क्लास में जाना पड़ा, तब जाके लास्ट क्लास का भले ही हम लोग सिर्फ 0.25 पोर्शन लिए बट इट विल बी द लास्ट क्लास. एंड हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेम वे यूजिंग इंटरपोलेशन.
क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस कितना है, 500 वैल्यूज के ऊपर स्प्रेड है, हम लोग को कितना चाहिए, 0.25 पोर्शन चाहिए आउट ऑफ टू पोर्शंस, टू वैल्यूज है जिसका सिर्फ 0.25 हम लोग को चाहिए, एंड वी विल एड इट टू 1500। यही किए थे हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन, एंड इसका फाइनल आंसर। एंड इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.25/2 इंटू 500 प्लस 1500 इज 1562.5। ये आ जाएगा हम लोग का थर्ड क्वार्टाइल। क्लियर, सबको क्लियर है ये चीज़? मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। रेंज एंड IQR से इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे जितने इससे आएंगे, एंड रियल लाइफ में भी यूजुअली वी यूज़ दिस मेजर ओनली। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरियंस दोनों एक ही चीज़ है, बस द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग रूट्स में करते हैं, वेरियंस को हम लोग स्क्वेयर्स में करते हैं। तो ये होता क्या है, डिविएशन मतलब क्या हुआ, हम लोग डिविएशन ही तो मेजर कर रहे हैं डिस्पर्शन की, मेन वैल्यू जो है उसके अराउंड कितना डिविएट हो रहा है एक्चुअल वैल्यूज, दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। तो डिविएशन इज जो भी एक्स वैल्यू है वो एक्स बार से कितना दूर है, दिस इज डिविएशन। बट वॉट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, वॉट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर हम लोग ये एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, हम लोग को तो पूरे डेटा का निकालना है, ये एक्स माइनस एक्स बार विल कम फॉर एवरी सिंगल डेटा वैल्यू, हर डेटा वैल्यू के लिए एक्स माइनस एक्स बार विल बी डिफरेंट। लेट्स से अगर मीन 5 है, यू हैव 0, यू हैव 1, यहाँ पे 10 है, लेट्स से ये 5 वैल्यूज है, मीन हम लोग का 5 होगा। 0 का 5 से डिविएशन कितना है, माइनस 5 का डिविएशन है 0 माइनस 5, 2 का माइनस 3 का डिविएशन है, 5 का 0 डिविएशन है, 8 इज प्लस 3 अवे फ्रॉम 5, एंड 10 इज प्लस 5 अवे अवे फ्रॉम 5। तो ये सब आ गया डिविएशंस। हम लोग को क्या चाहिए, पूरे डेटा का मिला के डिविएशन चाहिए। तो लॉजिकली व्हाट विल इट बी, कि हम लोग ऐड कर देंगे डिविएशंस को, बट इफ़ यू ऐड इट यू गेट 0, एंड फिर हम लोग उसको एवरेज करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ऐड करने से इवन इफ इट हैड नॉट बीन 0, अगर 5 भी होता वो एक्चुअल में इतने सारे वैल्यूज का साथ में डिविएशन है। हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज डिविएशन, तो डिविएशन का भी एवरेज निकालेंगे, बट एंड ऑफ द डे आंसर हमेशा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि मीन तो सेंट्रल वैल्यू हो गया, मीन का मतलब ये है कि इट इज़ अ पॉइंट फ्रॉम विच ऑल डेटा वैल्यूज आर समवॉट इक्वली डिविएटेड, मतलब उसके ऊपर जितना पॉइंट्स है उसके नीचे भी उतना ही पॉइंट्स होगा, दैट इज़ व्हाट मीन रिप्रेजेंट्स। तो इसलिए मीन के अराउंड डिविएशन इज ऑलवेज 0। तो हाउ डू वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम, द ओनली वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज कि ये जो डिविएशन है इसके साइन के कारण हम लोग का आंसर 0 आ रहा है। अगर ये प्लस होता और ये भी प्लस होता, मतलब हम लोग अगर साइन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्यों नहीं देते इम्पोर्टेंस, क्योंकि 5 के ऊपर नीचे है, लेकिन मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि नीचे है कि ऊपर है, दैट्स वाई आई विल नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द साइन, आई जस्ट केयर कि दो वैल्यूज़ हैं जो 5 के 5 यूनिट्स अवे है, एंड दो वैल्यूज़ हैं जो 5 के 3 यूनिट्स अवे है। इन दैट केस देर वुड बी नो इशू, 0 नहीं आता हम लोग का सम, बट बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप सोचो अगर आपका मार्क्स बोला जाए कि एवरेज मार्क्स 60 है, बट जो डिविएशन है अगर वो ऊपर की तरफ ज़्यादा है, देन यू विल वॉन्ट टू नो कि डिविएशन प्लस 10, तो आपके मन में तसल्ली आएगा कि अगर डिविएशन प्लस 10 है, मतलब देर आर हायर चांसेस कि मेरा जो मार्क्स है वो 60 के ऊपर ही हो,
than 60 के नीचे, तो इसलिए द साइन इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन रियालिटी. तो हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट बोथ? वन वे इज कि हम लोग मॉड यूज़ करें. मॉड से क्या होता है, मॉड से साइन का इफेक्ट चला जाता है, एवरी थिंग टर्न्स पॉजिटिव. अब मॉड के अंदर आप नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, वो हमेशा आउटकम पॉजिटिव देगा. तो मॉड ऑफ माइनस फाइव विल गिव मी फाइव, तो उससे हम लोग का साइन का इफेक्ट विल गो. अदर वे इज कि अगर हम लोग स्क्वेयर करें तो क्या होएगा, स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर. कोई भी नंबर का स्क्वायर लो, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो इससे भी हम लोग का नेगेटिव साइंस रिमूव हो जाएगा. तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वली एक्सेप्टेबल वेज ऑफ रिमूविंग द इशू ऑफ जीरो डिविएशन. बट हम लोग प्रैक्टिस में ये वाला यूज़ करते हैं. मॉड वाला भी बहुत जन यूज़ करते हैं, बट फॉर्मूलाज आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वन, इसलिए वी विल मूव अहेड विद दिस वन. इसमें क्या हो रहा है, अब हम लोग एक नया चीज़ कर दिए, हम लोग स्क्वेयर कर दिए, तो इस स्क्वायर के इफेक्ट को भी हटाना होगा. बिकॉज देखो, स्क्वायर करते ही अगर बोल दिया कि 25 का डिविएशन है, देन इट विल बी इलॉजिकल. तो यू हैव टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑल्सो. इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन में जो भी हम लोग वर्किंग करते हैं उसके बाद में, मतलब एवरेज डिविएशन निकाल दिया, उसके बाद यू हैव टू स्क्वायर रूट द एवरेज डिविएशन बाय टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ दिस स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूला लिखो एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन का, बेसिक फॉर्मूला. एक्स माइनस एक्स बार पहले कैलकुलेट किए डिविएशन, फिर उसका साइन का इफेक्ट हटाने के लिए स्क्वायर किए, एंड तब क्या करेंगे, फिर सारे डिविएशंस का एवरेज चाहिए. एवरेज इज ऑलवेज सिग्मा बाय टोटल, सिग्मा बाय टोटल इज ऑलवेज एवरेज. एंड अभी क्या बोला कि क्योंकि इस स्क्वायर के इफेक्ट को नलिफाई करना है, वी ऐड अ स्क्वायर रूट. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, कॉपी कर लो. अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ सैम्पल वर्सेस पॉपुलेशन. ये चीज़ सिर्फ अभी नहीं बट आगे जाके भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ सैम्पल एंड द पॉपुलेशन. क्या होता है कि हम लोग का जो एक्चुअल स्टडी होता है वो हमेशा एक ह्यूज स्टडी होता है. वी आर नॉट हियर टू स्टडी 10 डेटा पॉइंट्स और 12 डेटा पॉइंट्स, वी आर हियर टू स्टडी nearly thousands and millions of data points. तो वो thousands and millions of data point को आप completely study करो, that is not possible. तो what we do is we choose samples out of it. हम लोग उसका एक एक portion निकालते हैं which we expect is a full representation of the entire population. तो let's say अगर मेरे पास एक room of 100 people है जिनका मेरे को देखना है कि IQ कितना है, if I want to test their IQ, तो आई विल नॉट टेस्ट ऑल 100 पीपल का आई क्यू. आई विल लेट्स से चूज एनी 20 पीपल एंड सिर्फ उन लोग का आई क्यू आई विल टेस्ट. एंड दोज 20 पीपल आई एक्सपेक्ट कि बिकॉज दे आर इन द सेम रूम, आई विल होप कि 20 पीपल आई एम चूजिंग इन अ वे कि हर इंसान का एक रिप्रेजेंटेशन हो. एक लो आई क्यू पर्सन भी आए, एक हाई आई क्यू पर्सन भी आए, एक मीडियम आई क्यू पर्सन आए. देयर प्रोफेशंस आर डिफरेंट. लेट्स से एक आई विल टेक अ स्टूडेंट, वन आई विल टेक अ हाउस वाइफ, वन आई विल टेक समवन हु इज़ इन क्लास सिक्स, वन आई विल टेक हु इज़ डूइंग अ PhD. तो इससे क्या होएगा, जितना वराइटी आई विल हैव उतना क्लोजर टू द पॉपुलेशन आई विल बी. मेरे सैम्पल में जितना जितना वराइटी हो दैट मच इज़ बेटर फॉर मी, बिकॉज देन आई एम कॉन्फिडेंट कि आई एम कवरिंग द इंटायर पॉपुलेशन. बट वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हाउ मच वराइटी वी वॉन्ट एंड हाउ मच टेस्ट वी कैन कंडक्ट. तो
सैम्पल इज बेसिकली अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच वी चूज. बट अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपको कोई सर्वे करना है, कोई भी सर्वे करना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सबका सर्वे करो. यू विल चूज सम पीपल एंड उनसे यू विल आस्क द क्वेश्चंस. नाउ यू आर मोर लाइकली टू चूज पीपल हु स्टे अराउंड यू, वेदर इट्स योर फ्रेंड ग्रुप, वेदर इट्स द पीपल हु स्टे इन योर बिल्डिंग. तो अगर आप सपोज लेट्स से कोई बहुत रिच इंसान है, तो वो जिस बिल्डिंग में रहेगा, इट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उस बिल्डिंग में भी सारे एफ्लुएंट पीपल रह रहे हो. इट इज़ वेरी पॉसिबल कि उसका जो फ्रेंड ग्रुप हो उसमें ज़्यादातर उसके ही सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हों. तो सैम्पल चूज करते टाइम इवन दो वी ट्राई कि हम लोग के पास वेराइटी हो, मैनी टाइम्स वी फेल एंड इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन का 100% रिप्रेजेंटेशन दिखाए. बट स्टडी तो हम लोग सैम्पल पे ही करेंगे, ऑल आर कैलकुलेशंस आर डन बेस्ड ऑन द सैम्पल. तो जो फॉर्मूलाज है वो सब सैम्पल के होते हैं, बट उसको हम लोग, बट एक्चुअल हम लोग को जो रिजल्ट चाहिए वी नीडेड फॉर द इंटायर पॉपुलेशन. तो हाउ डू वी फिल दिस गैप बिटवीन सैम्पल एंड पॉपुलेशन? और ये गैप क्या चीज़ से आ रहा है? सैम्पल हैज़ लेस वेराइटी. Or it focuses more on certain groups. Whereas जो population है उसमें ज़्यादा variety है. तो ये variety का हम लोग के standard deviation पर क्या असर पड़ेगा? अगर हम लोग के sample में let's say 2 का standard deviation आ रहा है, तो हम लोग का जो population होगा we will expect कि जो deviation है 2 से ज़्यादा होगा, प्लस माइनस 2 से ज़्यादा होएगा हम लोग का पॉपुलेशन में, बिकॉज वहाँ पे और ग्रेटर वैरायटी आ जाएगा. सैम्पल में हम लोग ऐसे ही चूज़ किए कि क्लोज कंपटीशन होएगा सारा आंसर्स में, लेकिन पॉपुलेशन में तो ज़रूरी नहीं है. पॉपुलेशन में तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आएगा. तो इसीलिए व्हाट वी डू इज़ हाउ वी चेंज द फॉर्मूला. हम लोग क्या कर रहे थे? डिवाइड बाय एन कर रहे थे. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिवाइड बाय एन कर रहे थे डिविएशंस को यहाँ पे फॉर्मूला में. नाउ व्हाट वी विल डू इज इंस्टेड ऑफ एन वी विल डिवाइड बाय एन माइनस वन. एन माइनस वन एन से छोटा होएगा हमेशा, बिकॉज एन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर इनफैक्ट. तो एन माइनस वन इज ऑलवेज स्मॉलर. एंड ऑल ऑफ अस नो कि अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को हम लोग कम कर देते हैं तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? डिनोमिनेटर कम करने से ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है. बढ़ता है. तो अगर हम लोग सेम चीज न्यूमरेटर में रखें तो क्या होएगा? दिस विल बी ग्रेटर देन दिस ऑलवेज. तो हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग जब एक्चुअल में स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करें, देन हम लोग ओवरऑल वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दे, सो दैट वी नो कि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग जो पॉपुलेशन में हो सकता है. तो इसीलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द फॉर्मूला फॉर सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन. कि अगर आप एक सैम्पल के साथ डील कर रहे हो, एंड यूजली हम लोग सैम्पल के साथ ही डील करते हैं, तो अगर सम्स आए तो दिस इज़ द फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाई, एन माइनस वन वाला. बिकॉज डेटा आपको हमेशा सैम्पल का ही दिया जाएगा, पूरे पॉपुलेशन का डेटा देना इज़ नॉट प्रैक्टिकल. इसीलिए नीचे में राइट दिस फॉर्मूला ऑल्सो. एंड सम्स में हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे.
एंड वेरिएंस का ये फॉर्मूला को भी कॉपी करो। ये फॉर्मूला क्या है? बेसिकली वेरिएंस में स्क्वायर तो हो गया, तो स्क्वायर रूट हट गया, डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, बट ये जो सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, इसको हम लोग ओपन करके वी हैव गॉट इट इन टर्म्स ऑफ एन एंड एक्स बार। बिकॉज बहुत बार क्या होते हैं कि हम लोग के पास हर एक एक्स का वैल्यू नहीं होते, वी डोंट हैव एवरी वैल्यू फॉर एक्स, सो इन दैट केस समटाइम्स वी जस्ट हैव दीज डेटा। तो ये डेटा को यूज़ करके कैसे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरियंस निकाल सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसको यूज करके एक ठो सम करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले n का वैल्यू कितना होगा, हाउ मच इज एन, सिग्मा एफ करो 100। और क्या चाहिए हम लोग को, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर बाय एन माइनस वन, यही फॉर्मूला है। तो और क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए, एन हम लोग को पता है 100 है, एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, और एक और चीज़ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एफ एक्स निकालो। यहाँ तक हो गया सबका? यस मैम। अब एक चीज़ देखो, इस यहाँ पे जो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, दिस इज जितना भी एक्स वैल्यूज है, हर एक्स वैल्यू का हम लोग को स्क्वायर चाहिए एंड फिर उसका सम चाहिए, राइट? तो यहाँ पे बहुत जन क्या करते हैं, बहुत जन क्या करते हैं, उन लोग ये जो एक्स स्क्वायर वाला कॉलम है इसी को सम कर देते हैं। बट इज दिस करेक्ट, क्या हम लोग के एक्चुअल डेटा में सिर्फ एक जीरो है, सिर्फ एक वन है, सिर्फ एक टू और एक थ्री है, बोलो? नहीं, हम लोग के डेटा में
74 टाइम्स 0 है, 19 टाइम्स 1 है, 5 टाइम्स 2 है एंड 2 टाइम्स 3 है. तो एक्चुअल में सिग्मा एक्स स्क्वायर इज नॉट जस्ट द समेशन ऑफ द एक्स कॉलम, इट इज़ द समेशन ऑफ अनदर कॉलम विच इज़ एफ एक्स स्क्वायर. क्योंकि क्या होएगा, ये जो 0 है ये 0 कितनी बार अकर होगा एक्स स्क्वायर में, 74 टाइम्स. जो 1 है वो एक्स स्क्वायर कितनी बार अकर होगा, 19 टाइम्स. जो 4 है वो 20 टाइम्स, 5 टाइम्स अकर होगा, तो इसलिए 5 इंटू 4 तभी सम आएगा. एंड सिमिलरली 2 इंटू 9. और फिर इस कॉलम का हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग का आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर. तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये गलती आप लोग कभी नहीं करो, बिकॉज फॉर्मूला में आप लोग को सिग्मा एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा. बट जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रीक्वेंसी, बिकॉज उतनी बार वो एक्स स्क्वायर अकर हो रहा है, तो यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट एज वेल. ठीक है, तो अब अगर हम लोग लगाए फॉर्मूला में तो क्या आएगा, 57 माइनस 100, अच्छा एक्स बार कितना आएगा, 35/100. फॉर्मूला में इंसर्ट करने से ये वैल्यूज आएंगे, फाइनल आंसर कितना आएगा, सबका यहाँ तक आ गया है, एवरीवन हैज कैलकुलेटेड टिल हियर. यस मैम. तो कितना आएगा हम लोग का, इसका वैल्यू आएगा 0.45202. बट ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है कि ये वेरिएंस है? हम लोग अभी वेरिएंस कैलकुलेट किए कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किए? वेरिएंस, वेरिएंस किए. क्यों? क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट तो लिए ही नहीं, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन में हमेशा स्क्वायर रूट होगा ऊपर में, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस. क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस. अब एक चीज़ है, कल हम लोग जैसे मीन के लिए किए थे, मीन के लिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग डेटा सेट्स किए थे, राइट? तो ट्रांसफॉर्मिंग डेटा सेट्स में व्हाट वी डिड वाज वी सॉट टू टाइप्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. एक था मल्टीप्लिकेशन या डिविजन और एक था एडिशन या सब्ट्रैक्शन. मतलब एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन. तो सेम थिंग वी विल ऑल्सो डू फॉर रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस. तो रेंज में क्या होगा, अगर हम लोग हर एक एक्स वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई कर दे और बी ऐड कर दे उसमें, तो हम लोग का रेंज में क्या असर पड़ेगा. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. लेट्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2 एंड ऐड करते हैं 4, तो एक्स वन इज बेसिकली 2x प्लस 4, कितना आएगा 5, ये होगा 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22 एंड 24, ये आएगा. ओरिजिनल रेंज कितना था 10, न्यू रेंज कितना है 6 होगा. न्यू रेंज कितना आएगा 13. राइट? तो कैसे चेंज हुआ रेंज, डबल हो गया. वो डबल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस. आप लोग खुद लॉजिकली सोचो, हम लोग को मतलब क्या चीज़ है, सिर्फ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट से, बाकी सब नंबर्स को भूल जाओ. अब एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, उसको अगर दोनों को आप 2 से ऐड करोगे तो डिफरेंस में तो कोई आया नहीं, डिफरेंस में देर इज नो चेंज, दोनों ही क्योंकि 2 से बढ़ गया, तो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा.
लेकिन अगर आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या हो रहा है, आपका डबल द डिस्टेंस बढ़ रहा है। आपका जो डिफरेंस है, अगर 5 और 13 था, अब वो क्या बन जा रहा है, 10 और 26। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, पहले जो इतना स्प्रेड था अब वो इतना स्प्रेड हो जा रहा है, डबल द वे स्प्रेड हो रहा है। इसीलिए रेंज किससे अफेक्ट होता है, सिर्फ ए फैक्टर से, मीन दोनों से होता था, बट रेंज इज ओनली अफेक्टेड बाय द ए फैक्टर। क्लियर है क्यों? यस, सेम यस थिंग अगर मैम। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए करें। स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होएगा, ट्राई करके देखते हैं। आई विल गिव यू ऑल अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ताकि स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर डेटा सेट है 2, 4, 9 एंड अगर हम लोग सिर्फ 3 ऐड कर दें, एक एक करके दोनों इफेक्ट को एनालाइज करेंगे, इसमें 5, 7 एंड 12, तो क्या किए हम लोग, x1 = x+3, दैट्स इट। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, 2, 4 एंड 9 का स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी 3 नंबर्स ही है, तो x-x बार वाला ही करते हैं। x बार कितना होगा, 2, 4, 9 / 3, 5, इसका कितना होगा, 5, 7, 12, 8। फिर क्या होएगा बताओ, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आएगा फर्स्ट वाले का एंड सेकंड वाले का? बताओ ये आएगा कि नहीं? क्या हो रहा है, फर्स्ट होगा 2 - 5, उसका स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर, प्लस 4 - 5 मतलब -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, प्लस 9 - 5 4, तो 4 का स्क्वायर, यही होगा। इन सबको हम लोग सम करेंगे एंड डिवाइड किससे करेंगे, n-1 विच इज 2, तो √13 आया। सेम चीज़ नेक्स्ट वाले के लिए अगर करें तो 5 - 8 3, 3² + 1² + 4² डिवाइड बाय 2 √13। तो क्या हुआ, कुछ असर पड़ा हम लोग के स्टैंडर्ड डिविएशन में, जिससे क्या समझ में आता है कि जो बी फैक्टर है वो हम लोग के एच डी को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब ट्राई करते हैं ए फैक्टर का। इफ x1 = 3x तो क्या होगा, फाइव एक्स करो एक बार। अगर हम लोग 5x करते हैं तो ओरिजिनल वाला है 2, 4, 9, वो क्या बन जाएगा, 10, 20 एंड 45। एक्स बार कितना होएगा, इसका तो 5 ही रहेगा, इसका एक्स बार हो जाएगा 25। कैलकुलेट करने का दरकार ही नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है एक्स बार कैसे अफेक्ट होता है। एक्स बार क्या होएगा, सिर्फ (x)/5 हो जाएगा। एस डी क्या होगा, फर्स्ट वाले का लो तो √13 होगा, सेकंड वाले का क्या होगा एस डी, 10 - 25 = 15 का डिफरेंस, 20 एंड 25 में 5 का डिफरेंस, 45 - 25 में 20 का डिफरेंस, तो वी गेट 650। सिक्स फिफ्टी डिवाइडेड बाय 2 है ना, कितना आएगा, 325। तो मतलब दिस इज √325। अब √325 क्या होता है एक्चुअल में, इट इज 5√13। तो क्या हुआ, हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x1 = 5 times स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो जो a फैक्टर है उससे सेम इफेक्ट पड़ा ऑन द स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब हम लोग एक्स को जैसे चेंज किए हम लोग का स्टैंडर्ड डिविएशन भी वैसे ही चेंज हुआ। तो
इसका जनरल रूल क्या बनेगा फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन एज इफ एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन एस डी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू बताओ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एस डी ऑफ एक्स वॉट विल बी राइट ए टाइम्स एस डी ऑफ एक्स एंड बी का कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बी वी सॉ डज नॉट अफेक्ट अ स्टैंडर्ड डिविएशन वेरियंस अगर हम लोग देखें तो वेरियंस तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड है इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर तो अगर हम लोग एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और बी से ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू ए हो रहा है तो वेरियंस क्या होएगा इसी चीज़ का तो स्क्वायर होगा तो वेरियंस ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स बस डिफरेंस होगा यहाँ पे कि ये ए स्क्वायर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ए बिकॉज इसका ही हम लोग स्क्वायर किए इसको ही स्क्वायर कर रहे हैं इसको स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एस डी स्क्वायर और ये एस डी स्क्वायर क्या है वेरियंस ऑफ एक्स है तो इसलिए वेरियंस ऑफ एक्स वन विल बी ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स क्लियर है इसको एकदम क्लियरली अपने कॉपी में सब लोग लिख लो बिकॉज इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर्स कि उन लोग कुछ नहीं करेंगे दे विल जस्ट गिव दिस टू यू इन सम फॉर्म एंड इसके ऊपर बेस्ड एक एमसीक्यू आ जाएगा इसलिए मेक श्योर कि इसको आप लोग एकदम अच्छे से लिख लो कॉपी में हो गया नाउ द लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन बहुत कम इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग यूजुअली बट यूज बहुत होता ही है फॉर एक्सप्लेनिंग व्हेन यू स्टडी अ डायग्राम देन आगे जाके यू विल यूज स्क्यूनेस अ लॉट स्क्यूनेस क्या होते हैं इस बाकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग क्या पढ़े कि कितना स्प्रेड है हाँ बस ये पढ़े कि कितना स्प्रेड है कहीं भी हम लोग को ये नहीं पता चल पाया कि जो स्प्रेड है वो ऊपर है कि नीचे है स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग को चाहिए था कि पता चले इसलिए हम लोग प्लस माइनस कंसिडर कर रहे थे लेकिन लास्ट में क्या हुआ क्या वो प्लस माइनस एक्चुअल में हम लोग यूज़ किए नहीं किए तो इसलिए स्क्यूनेस क्या करते हैं स्क्यूनेस हम लोग को बताते हैं कि किस तरफ डेटा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ऊपर कि नीचे तो अगर हम लोग को एक लाइन बनाएं या कोई ग्राफ बनाएं जो ऐसे जा रहे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग हमेशा एक्स वैल्यूज़ लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लेते हैं वाई एक्सिस पे एंड एक्स वैल्यू पे भी टेक दी एक्स वैल्यूज़ तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स वैल्यूज़ हैं लेट्स से एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री इनका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है वेयर एज जो ये सब वैल्यूज़ हैं इनका फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो इसका मतलब है कि जो डेटा है इट इज़ फोकस्ड मोर ऑन दिस एरिया बट जो मीडियन होगा मीडियन विल बी समवेयर ओवर हियर लेट्स से मीडियन विल बी समवेयर ओवर हियर मोड कौन सा होगा इसका कोई बोल सकते हैं मोड कौन सा होगा X2 होगा मोड क्यों क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है एज सिंपल इज दैट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसीलिए मोड विल बी X2 तो ये क्या होगा दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड सिमिलरली अगर इसका ऑपोजिट केस होता
यहाँ पे बहुत कम वैल्यूज है, लेकिन आगे जाके फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है एक्स वैल्यूज का। तो यहाँ पे मोड होगा ये वाला, मीडियन विल बी समवेयर हियर, है ना? दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड। अब कुछ होंगे जो एकदम सेंटर पोर्शन में वैल्यूज बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है वैल्यूज के, तो मोड एकदम सेंट्रल होगा, लाइक एकदम डॉट मिड पॉइंट। मीडियन भी एग्जैक्टली वही होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो दोनों साइड स्प्रेड जो है वो सेम है, द स्प्रेड इज द सेम ऑन बोथ साइड्स, तो इसीलिए मीन भी यही होगा, मोड भी यही है एंड मीडियन भी यही है। तो व्हेन मीन, मीडियन एंड मोड आर एट द सेम पॉइंट, देन द स्क्यूनेस इज सेट टू बी जीरो, एंड बोलते हैं कि जो है डेटा इट इज सिमेट्रिकल, देर इज नो स्क्यूनेस, किसी भी तरफ लॉपसाइडेड नहीं है हम लोग का डेटा, एकदम सेंट्रली अलाइंड डेटा है। तो थ्री टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिवली स्क्यूड जब कम वैल्यूज ज़्यादा हो, नेगेटिवली स्क्यूड जब ऊपर के वैल्यूज ज़्यादा हो, एंड सिमेट्रिकल व्हेन द वैल्यूज आर फोकस्ड ऑन द सेंटर। एंड इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे विदाउट सीइंग अ ग्राफ? पॉजिटिवली स्क्यूड में हमेशा जो मोड होगा दैट विल बी लेस देन द मीडियन और द मीन, एंड इन अ नेगेटिवली स्क्यूड वन जो मोड होगा दैट विल बी मोर देन द मीन और मीडियन। इसको कॉपी करो। ऐसे लिखो, पहले पॉजिटिवली स्क्यूड का डायग्राम बनाओ, ऐसे बनेगा, छोटा में करके बनाओ, ऐसे बनेगा। मार्क दिस एज द मोड, मार्क समवेयर हियर एज द मीडियन, एंड यहाँ पे मीन मार्क करो, ठीक है? एंड राइट पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या करेंगे? ऑपोजिट होगा, यहाँ पे मोड होगा, यहाँ मीडियन होगा और यहाँ मीन होगा। एंड लिखो नेगेटिवली स्क्यूड, एंड देन सिमेट्रिकल का कुछ भी नहीं है, मीन मीडियन मोड तीनों एकदम सेंटर पॉइंट पे हो। ऑलराइट, तो ये हो गया स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का फॉर्मूला यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट रियली आस्क अस टू कैलकुलेट द स्क्यूनेस, बट बाय चांस अगर कभी आ गया तो बस फॉर्मूला लिख के रखो कि स्क्यूनेस इज नथिंग बट जो डिविएशन है उसको हम लोग क्यूब करते हैं, ठीक है? क्यूब करके उसका सम करेंगे ऑब्वियसली एंड एवरेज निकालेंगे। तो क्यूनेस इज बेसिकली द एवरेज ऑफ डिविएशन क्यूब, जो डिविएशन है उसके क्यूब का एवरेज होता है स्क्यूनेस, ठीक है? तो ये फॉर्मूला लिखो और ये सबको कॉपी करो। मैम, ये जो आपने स्क्यूनेस का फॉर्मूला बताया है, ये पॉपुलेशन का है या सैंपल का? ओके स्क्यूनेस हम लोग दोनों सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैम। बट क्योंकि स्क्यूनेस हम लोग यूजुअली स्ट्रेट अवे पॉपुलेशन का निकालते हैं। अगर सैंपल, सैंपल में हमेशा याद रखना सैंपल का आइडेंटिफाइंग फैक्टर इज द एन माइनस वन, अगर डिनोमिनेटर में एन माइनस वन है मतलब वो सैंपल का है, एंड अगर पॉपुलेशन का होगा देन डिनोमिनेटर में एन होगा। स्क्यूनेस भी कंसिडर कि दोनों का सेम है इसलिए हम लोग एन ही यूज़ करते हैं।
चलो लास्ट थिंग फॉर टुडे, बॉक्स प्लॉट. तो बॉक्स प्लॉट एज आई सेड, इसमें क्या होते हैं, इसमें हम लोग फोर पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द पोजिशन. लेकिन ये जो लाइन है ना, सेंट्रल लाइन, दिस इज एक्चुअली द नंबर लाइन. ये नंबर लाइन है जहाँ पे वैल्यूज है. ऐसा मत सोचना कि ये लाइन पे पोजिशंस डिनोट हो रहे हैं. अगर पोजिशन डिनोट होता तब तो एकदम परफेक्ट बॉक्सेस बनता. ये एकदम मिडल होता, ये मिडल होता और ये मिडल होता. बॉक्सेस ऐसे बनता इफ़ वी वर शोइंग द पोजिशन ऑफ द वैल्यूज. पर हम लोग पोजिशन नहीं दिखा रहे, हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हम लोग वैल्यूज़ दिखा रहे हैं, मतलब एक्स वैल्यूज दिखा रहे हैं. तो एक लाइन कहाँ बनेगा, मीडियन पे. मीडियन पे बनेगा एक लाइन, एक बनेगा फर्स्ट क्वार्टाइल पे एंड एक बनेगा थर्ड क्वार्टाइल पे. एंड देन द लाइन्स विल बी जॉइंट टू फॉर्म टू बॉक्सेस, एज यू कैन सी, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स. अब फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीडियन के बीच में कितना वैल्यूज लाया करता है, 25% ऑफ द टोटल वैल्यूज. 25% ऑफ योर डेटा लाइज इन दिस पोर्शन, 25 लाइज इन दिस पोर्शन, यहाँ 25 एंड यहाँ 25, ऐसे डिवाइड होते हैं. तो इस बॉक्स प्लॉट को देख के क्या समझ आ रहा है कि ये जो Q1 से M वाला डिस्टेंस है, इन दिस केस यहाँ पे बहुत कम वैल्यूज है, लेकिन मोस्ट ऑफ आर डेटा कंसिस्ट फ्रॉम दिस पोर्शन. अगर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले, देखो अब क्योंकि ये नंबर लाइन है, इसलिए 0 से 7 और 7 से 14 तक का जो डिस्टेंस है, इट हैज़ टू बी द सेम, बिकॉज इट्स अ नंबर लाइन आफ्टर ऑल. तो इक्वल डिविजन होगा बेस्ड ऑन द नंबर्स. अगर 4 हम लोग का फर्स्ट क्वार्टाइल है एंड थर्ड क्वार्टाइल 12 है, तो बॉक्स प्लॉट कैसे बनेगा, एक बॉक्स यहाँ बनेगा और एक बॉक्स यहाँ बनेगा. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि अ लॉट ऑफ आवर डेटा इज फोकस्ड ऑन द 4 to 7 रेंज. अ लॉट ऑफ द डेटा इज फोकस्ड ऑन द 4 to 7 रेंज. कुछ डेटा है जो 7 to 12 के रेंज में, लेकिन 7 से 12 इज अ वेरी लॉन्ग रेंज, इट्स अ वेरी हाई रेंज, बट उसमें भी सिर्फ 25% ही है. हम लोग एक्सपेक्ट करते कि अगर इवनली स्प्रेड आउट डेटा होता तो 7 से 12 के बीच में और ज़्यादा पॉइंट्स होना चाहिए था, नॉट जस्ट 25, लेट्स से अराउंड 40% ऑफ द डेटा शुड हैव बीन इन दैट रेंज. बट क्योंकि ये डिस्क्रिपेंसी रहते हैं, बॉक्स प्लॉट से हम लोग को ये पता चलता है कि कौन से इंटरनल रेंज में ज़्यादा डेटा फोकस्ड है. तो नेचुरली अगर इतना में 25% हो रहा है और इतना में 25% हो रहा है, तो इसका मतलब ये एरिया ज़्यादा स्ट्रांग है, ये एरिया में ज़्यादा डेटा है. अब समझ में आया आपको बॉक्स प्लॉट का मतलब, क्लियर है? यस मैम. तो बॉक्स प्लॉट यही होता है, दिस इज हाउ यू रीड इट. उसमें जो थ्री लाइन्स है, दे रिप्रेजेंट द थ्री क्वार्टाइल्स. एंड हाउ डू, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉक्स प्लॉट, इट इज नथिंग बट टू सी कि कौन सा पोर्शन इज स्ट्रॉन्गर एंड कौन से पोर्शन पे डेटा कॉन्सेंट्रेटेड है ज़्यादा. ठीक है.